वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम उत्तर प्रदेश जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके को ऐसे फॉर्म में डिजाइन किया है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपका उत्तर प्रदेश जीके का क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की जीके को एक टेबल की फॉर्म में डिजाइन किया है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस टेबल में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप याद कर लें कि 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से पहले आगरा और इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन कौन थे, या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि इलाहाबाद कब से कब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। तो मैं आपको बताता हूं, आगरा 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी था। आगरा के बाद इलाहाबाद 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा। तो आप याद कर लें कि आगरा 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी था, आगरा के बाद इलाहाबाद रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी, और इलाहाबाद कब से कब तक रही है, इलाहाबाद रही है 1858 से 1921 तक, और 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व नाम पर। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है संयुक्त प्रांत। यह क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है, और यह कब तक रहा इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है राज्य की विधिक स्थापना, यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है राज्य की भाषा, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है हिंदी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है उर्दू, और यह कब स्वीकार की गई, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है राज्य की पशु, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु है बारहसिंगा। नेक्स्ट है राज्य की पक्षी, उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी है सारस या क्रौंच। मोस्टली ऑप्शन में सारस दिया जाता है, लेकिन कभी क्रौंच भी दे देता है, तो आपको याद रखना है सारस अथवा क्रौंच, ये उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी है। नेक्स्ट है राज्य की वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। आप याद कर लो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलास, और ये कब से है, जनवरी 2011 से। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। आपने कभी देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं तो पीछे एक गोल आकृति का चिन्ह बना रहता है, लगा रहता है दीवार पे, जिसमें दो मछलियां और एक तीर धनुष बना रहता है, वही है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह में क्या है, एक वृत्त में दो मछली है और एक तीर धनुष है, और यह कब स्वीकृत किया गया, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकार किया गया 1938 में। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उस राजकीय चिन्ह में जो दो मछलियां हैं वो किसका प्रतीक हैं। इन सब के बारे में डिटेल में मैंने उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट है विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है द्विसदनात्मक।
नेक्स्ट है विधानसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 404, जिसमें 403 उत्तर प्रदेश के और एक एंग्लो इंडियन होता है, यानी कि टोटल मिलाकर होते हैं 404। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्यों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100, जिसमें एक एंग्लो इंडियन है। लोकसभा सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 80, यानी कि उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और इसकी खंडपीठ है लखनऊ। नेक्स्ट है संभागों की संख्या, संभागों की संख्या है 18। उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, यानी कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंट टाइम में 75 जिले हैं। महानगर की संख्या कितनी है, महानगर वो होते हैं जिनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में महानगरों की संख्या है 6। तहसीलों की संख्या, तहसीलों की संख्या है 316, यानी कि उत्तर प्रदेश में 316 तहसील है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक कितने हैं, उत्तर प्रदेश में है 821 ब्लॉक। आपको पेन पेपर लेकर कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो की पीडीएफ नोट आप हमारे नेक्स्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है नगर एवं नगर समूह, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर एवं नगर समूह हैं, तो उत्तर प्रदेश में है 630 नगर एवं नगर समूह। नगर निगम कितनी है, उत्तर प्रदेश में 13 नगर निगम है। अभी प्रेजेंट टाइम में नगर निगम के चुनाव की चर्चा चल रही है, तो आप याद कर लें कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगर निगम है, उत्तर प्रदेश में है 13 नगर निगम, जिसमें सबसे लेटेस्ट है सहारनपुर। और सहारनपुर कब बना, सहारनपुर नगर निगम कब बना, सहारनपुर नगर निगम बना है 2009 में। नेक्स्ट है नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश में 194 नगर पालिका परिषद है। नेक्स्ट है नगर पंचायतें, उत्तर प्रदेश में 423 नगर पंचायतें हैं। जिला पंचायतें कितनी है, उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायतें हैं। और क्षेत्र पंचायतें कितनी है, उत्तर प्रदेश में है 821 क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, उत्तर प्रदेश में 51,914 ग्राम पंचायत। आबाद ग्राम कितने हैं, उत्तर प्रदेश में है 97,941 आबाद ग्राम। टोटल ग्राम कितने हैं, उत्तर प्रदेश में है 106,774 ग्राम। एक ये क्वेश्चन भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है प्रथम राज्यपाल, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई दे जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो आप याद कर लें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 8 मार्च 1952 को। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। मैंने इस वीडियो में वो सभी फैक्ट कलेक्ट किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो आप ये सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से याद जरूर कर लें। नेक्स्ट है प्रथम विधान परिषद सभापति, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति थे चंद्रभान। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं इसे डबल मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार रिपीट होता रहता है। अगर आपका उत्तर प्रदेश के किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से गलत होता है, तो आप याद कर लें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। एग्जामिनर इतने तेज होते हैं दिमाग के, वे ऑप्शन में मायावती को भी दे देते हैं,
और स्टूडेंट अक्सर सुश्री मायावती जी पर टिक कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप याद कर लें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं सुश्री मायावती। नेक्स्ट है प्रथम लोकायुक्त। उत्तर प्रदेश की प्रथम लोकायुक्त हैं विश्वंभर दयाल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये थे उत्तर प्रदेश जीके के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।